हम इसको बिल्कुल उठाएंगे। हमने पिछले संसद के सत्र में भी ये उठाने का प्रयास किया था, क्योंकि जो कमेटी गठित की गई सरकार द्वारा, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही सरकार ने एमएसपी को गारंटी लेने की और एमएसपी पे खरीद की जो किसानों की मांग थी, जिस पे सहमति बनी किसान आंदोलन के बाद, उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ही उसको धूमिल कर दिया था। टर्म्स ऑफ रेफरेंस उस समिति के आप पढ़ेंगे तो उसमें ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि ऑर्गेनिक खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। तो ये बड़ा सरकार की नीयत, सरकार की मंशा, जैसे मैंने कहा कि सरकार की एक नीति जो नारा था जय जवान जय किसान, आज वो नारा बदल के हो गया मरे किसान पिटे किसान जय धनवान। मंडी में किसान की सूरजमुखी पिट रही है, मंडी में किसान की फसल पिट रही है और सड़क पे किसान पिट रहा है, आज इस बात को देश देख रहा है। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और हम इनके खिलाफ संसद में, संसद से लेकर सड़क तक हम इन बातों को लेकर जाएंगे, संसद में इसको उठाएंगे, इस मुद्दे को, वादा खुलाफी के इस मुद्दे को, क्योंकि उस सरकार ने स्वयं कहा था कि एमएसपी कमेटी बनेगी। अब अगर डेढ़ साल के बाद भी नहीं हुआ तो समय आ गया है कि देश का किसान इस बात को, देश के किसान के हकों में कांग्रेस पार्टी उठाए।